आखिर मैं जाकर देखूं तो सही ऐसा उन्होंने क्या लिख दिया। गुरुदेव आपके चरणों में नमन करता हूं। तीन दिन पहले आपने महान वीरांगना गोराबाई पर एक कविता लिखी, मनसाराम जसाठी, ये हमारे आजादी के महानायक क्रांतिकारी। तो मुझे गुरु जी का एक अदृश्य प्रोत्साहन प्राप्त हुआ कि मैं भी एक अदृश्य क्रांतिकारी पर कविता सुनाऊं। हालांकि वो अज्ञात क्रांतिकारी नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी की हमने इतनी ज्यादा आनंद लिया, इतना स्वच्छंद हो गए कि हम हमारे उन क्रांतिकारियों को भूल बैठे जिन्होंने क्रांति का प्रतिनिधि ध्वज अपने हाथ में रखा था। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी होते हैं जतिन दास, जिन्होंने महान भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल करके वीरगति प्राप्त की। मंचों पर वीरता के वो किस्से तो होते हैं जहां पर युद्ध में वीरता प्रकट की गई हो, लेकिन भूख हड़ताल करके गुरुजी, वो भी एक वीरता का ही प्रतीक है। 12 जुलाई को उन्होंने अपनी भूख हड़ताल प्रारंभ करी जेल में, 13 सितंबर को वो वीरगति को प्राप्त हुआ। वीरगति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। सब अंकों में अंक ये 63 लगता मुझको प्यारा है, 63 लाता उजियारे को जहां जहां अंधियारा है, 63 संतों की महिमा नयनार संत पताका में, जैन धर्म स्थापित होता 63 पुरुष शलाका में, 63 चंद्रमा बृहस्पति के परिक्रमण पथ पर टलते हैं और नवरात्रि के 7 बार व्रत पूर्ण हो 63 बनते हैं। आप भी सोच रहे कैसा बेवकूफ इंसान ने क्या 63 कर रहा है। अब कविता विषय पर आ रही है। 63 यानी 13 7, जितने भी अंक हैं उनमें सिर्फ 63 है जिसमें 13 7 की ध्वनि सुनाई देती है। 63 यानी 13 7 का धन्य हुआ भारत माता, कह वीर सपूत ने मातृभूमि से जोड़ा 63 का नाता, तभी तो महिमा 63 की। यह अंक स्वयं कह जाता है, 6 मानक जब सूख कर आधा शेष 3 रह जाता है तो हर 63 धन्य 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 है, हर 63 धन्य। किंतु व्यर्थ यदि बात कहूं मेरे मन की, जब चर्चा हो जतिन दास के 63 दिन के अनशन की, जब चर्चा हो जतिन दास के 63 दिन के अनशन की, जब चर्चा हो जतिन दास के 63 दिन के। दफन अतीत के कुछ पन्ने में आज खोदने निकला हूं। अतीत में दफन हो गए सारे पन्ने। बंजर पथरीली धरा कलम से आज जोतने निकला हूं। भूख है पीड़ा, भूख वेदना, भूख से दुनिया रोती है। ब्रह्मांड घूमता नजरों में जब भूख उधर में होती है, उस भूख का महिमा गान रही है पिज्जा बर्गर की पीढ़ी में। आजादी की चकाचौंध तक आई है वो जिस सीढ़ी में, पग धसे हुए उस सीढ़ी के कष्टों की काली नींव तले, आओ जरा उतरो देखो जहां आजादी के स्वप्न पले। एकले चलो की गूंज के संग कुछ क्रांतिकारी वहां रोते हैं। जतिन दास का प्रिय गान था एकले चलो और नजरुल की विरोधी कविताएं। एकले चलो की गूंज के संग कुछ क्रांतिकारी वहां रोते हैं और दधीची भूख वीर की मृत्यु क्षणों में रोते हैं। माह सितंबर का यह था गणपति के स्तुति गान का, पर काल कोठरी आज केंद्र थी अमर अमिट बलिदान का। तो दुनिया पूजे एक दंत के जैसे टूटे दांत को, दुनिया पूजे एक दंत के जैसे टूटे दांत को, आओ आज हम मिलकर पूजे जतिन की भूखी आंख को, आओ आज हम मिलकर पूजे जतिन की आंख, जतिन की भूखी आंख को। परम वीरता प्रतिपादित होती है रक्त बहाने में। अभी तक हमने वीर रस में यही देखा है साहब, परम वीरता प्रतिपादित होती है रक्त बहाने में, शत्रु दल का शीश काटने या निज शीश कटाने में। उदराग्नि को प्रज्वलित कर गया, नई वीरता दिखा गया और होम स्वयं को कर वेदी पर रक्त का कड़कड़ सुखा गया। तीक्ष्ण दरारे शुष्क धरा से उभरी तभी अधर में थी, सागर मंथन जैसी भीचर हड़तल तभी उधर में थी, जो पल पल हड्डी मांस व मज्जा तक गलने की कथनी थी, जहां शोषण की जंजीरें नेती और गुलामी मथनी थी। गरल था सागर का सिमटा उस उधर रूपी करमंडल में, राष्ट्र समूचा नतमस्तक था भूख के आभा मंडल में, कण पल पल पहर पहर वो दिन दिन जैसे बढ़ते जाते थे, नई अनूठी बलिगा था वो भूख की गढ़ते जाते थे, पर्वत धसकर सिमट रहा था जो जो घेरी खाई में, ऋषि तपोसा तेज का दिखता पिंजर की परछाई में, पिंजर नहीं वो शीर घटों से तप तप कर निकला घृत था, और उन्हीं तपो का फलित रूप ही आजादी का अमृत था, उन्हीं तपो का फलित रूप ही आजादी का अमृत था। अब कविता अपने अंतिम पड़ाव पर आती है साहब, क्योंकि वो 63वां दिन, यदि उसका वर्णन कविता में न किया जाए तो ये कविता अधूरी है साहब। अब देखिएगा साहब, दृश्य कुछ इस तरह का है। भगत सिंह के साथ उन्होंने जेल में भूख हड़ताल प्रारंभ करी थी, भगत सिंह पहले भूख हड़ताल कर चुके थे। जतिन दास ने एक ही शर्त रखी थी, जीत या मौत, या तो मुझे इस खेल में मत उतारो, यदि अगर मैं इस खेल में उतर गया तो या तो मुझे जीत चाहिए नहीं तो मौत मंजूर है। तो दृश्य कुछ ऐसा है कि भगत सिंह के साथ में है, तो दृश्य शहादत का अपना जब वीर गर्व से चुनता है, स्वयं विधाता एक एक दृश्य हाथ से अपने बुनता है। मूर्छित होकर लक्ष्मण जो प्रभु राम गोद में लेटे थे, जतिन दास को भगत सिंह वैसे ही लेकर बैठे थे। उधर सुधा के शक्तिपात ने सारे बदन को जकड़ा था, तब जतिन दास ने भगत सिंह का हाथ जकड़ कर पकड़ा था।
कालदंश में कालकारा की भीषण पीड़ा छाई थी, संजीवन क्योंकि आजादी की नहीं अभी तक आई थी, संजीवन क्योंकि आजादी की नहीं अभी तक आई थी। तो बोले जतिन भगत बहादुर अब वैकुंठ सरिता में, डुबा दो मुझको नक्श से शिख नजरुल विरोधी कविता में, चाहती उसकी जतिन भगत भी राम लखन से कहलाए, भगत हाथ उठाकर अपना मस्तक उसका सहलाए, किंतु घुटते शब्द कंठ से आज निकल ना पाए थे, समय के स्वर्णिम पन्नों पर कुछ उलट दृश्य नए आए थे, अब तक सुना था वीरों ने फौलाद में खुद को ढाला है, वजन का भारी भरकम जिनका मन भर जिनका भाला है, पिघले उस फौलाद अंश में भीतर वैसा ही दम था, नए समय के मानव करता नहीं किसी से वह कम था, किंतु शक्ति आज वीर की भूख के आगे हारी थी, या आज हथेली भगत सिंह की पर्वत से भी भारी थी, तेज प्रताप के जैसा ही उस मुखमंडल पर छाया था, पर वीर हथेली तक भी उसके आज उठाना पाया था, पर वीर हथेली तक भी उसके आज उठाना पाया था, टकराते थे अंत समय में प्रिय शब्द वही कान में, खुले नेत्र स्थिर आंखें एकले चलो के गान में, न तुलसा जी न गंगा जल न गीता का शब्द कोई। देखिएगा साहब, जब हम अंतिम श्वास लेते हैं कोई भी तो तुलसा जी के मुंह में डाले जाती है, गंगा जल डाला जाता है, गीता, लेकिन साहब सबसे ज्यादा आत्मा को शीतलता तभी मिलती है जब देश के लिए प्राण न्योछावर किए जाते हैं। न तुलसा जी न गंगा जल न गीता का शब्द कोई, तर्पण पाकर फिर भी देखो देह चैन से थी सोई, तर्पण पाकर फिर भी देखो देह चैन से थी सोई, तर्पण पाकर फिर भी देखो देह चैन से थी सोई। अब कुछ अंतिम पंक्तियां हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है साहब इनको याद करने की। जिस सीढ़ी से मैं आपको जतिन दास तक ले गया, समय की सीढ़ी चढ़ा जतिन को वर्तमान तक लाई है, कुछ कहना चाहे कहते कहते गौर उदासी छाई है, अरे पीढ़ियों कम से कम तुम्हें इतना ऋणी तो होना था, काश समझते थाती हमको जरा गुणी तो होना था, जिस हल से ज्योति आजादी थी नोक हमारे सीने पर, हमने खुद को होम किया स्वच्छंद तुम्हारे जीने पर, बीज बने खुद हुए अंकुरित धरती में खुद को बोकर, अरे कोई तो हमको भी कहता कष्टपति कृष बदन भूखोदर, कोई तो हमको भी कहता कष्टपति कृष बदन भूखोदर, किया किसी ने कुछ भी लेकिन हमें किसी से दंड नहीं, क्योंकि वतन पे मर मिटने से बड़ा कोई आनंद नहीं, तो राष्ट्रवाद की पावन मिट्टी इसे तन पर मलो ले, स्वच्छंद हवा उन्मुक्त गगन तुम खुलकर उड़ो रहे, और ज्योति तुम्हें धाक सुनने को ना आसी, यही तुम्हें एकले चलो रहे, यही तुम्हें एकले चलो रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।